तो दोस्तों मूवी एक्सप्लेन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल्स मूवी की। एमसीयू की ये 26 फिल्म हमारी सोच से भी काफी ज्यादा बड़ी है। यहाँ हमें ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर तारों और ग्रहों के बनने और उनके मिटने के बारे में भी पता चला। इसके साथ ही यहाँ हमें बिल्कुल ही नए मगर काफी पुराने सुपर हीरोज की एक टीम देखने को मिली। अगर आप इस मूवी को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं इटर्नल्स मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। ये कहानी है सेलेस्टियल्स की। सेलेस्टियल बहुत ही बड़े पुराने और शक्तिशाली अंतरिक्ष जीव है जो कि ब्रह्मांड के सबसे शुरुआती जिंदा प्राणी है। ब्रह्मांड जब अस्तित्व में आया तो उसमें सिर्फ अंधेरा था। तब सेलेस्टियल के लीडर अरिशेम ने सबसे पहले सूरज का निर्माण किया जिससे इस सृष्टि में उजाला हुआ। फिर उस सूरज की गर्मी और गुरुत्वाकर्षण से ग्रह और तारामंडल बने और ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत हुई। इस तरह से और भी कई सेलेस्टियल्स ने बहुत सी गैलेक्सीज बनाई जिससे इस यूनिवर्स में एनर्जी का फ्लो शुरू हुआ और लाइफ आगे बढ़ने लगी। लेकिन इस एनर्जी के फ्लो को बनाए रखने के लिए और भी सेलेस्टियल्स की जरूरत थी, इसलिए अरिशेम ने नए सेलेस्टियल्स को जन्म देने के लिए सजीव ग्रहों पर सेलेस्टियल्स के बीज बो दिए। एक नए सेलेस्टियल को जन्म लेने के लिए हजारों साल का वक्त लगता है और उसे बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो एनर्जी उसे मिलती है इंटेलिजेंट लाइफ से। पर किसी भी लिविंग प्लेनेट पर इंटेलिजेंट लाइफ को ग्रो होने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हर लिविंग प्लेनेट पर शुरुआत में एपेक्स प्रेडेटर्स यानी डायनासोर जैसे प्राणी होते हैं जिनके रहते इंटेलिजेंट लाइफ शुरू नहीं हो सकती। इसलिए उन्हें खत्म करने के लिए अरिशेम ने डेविएंट्स नाम के प्राणी बनाए और उसने उन्हें यूनिवर्स के सभी लिविंग प्लैनेट्स पर भेज दिया। इसके बाद डेविएंट ने डायनासोर्स को तो खत्म कर दिया, लेकिन डेविएंट्स की बनावट में एक कमी थी, इसीलिए वो विकसित होने लगे और वो खुद डायनासोर की तरह सबको मारने लगे। अपनी इस भूल को सुधारने के लिए अरिशेम ने इटर्नल्स नाम के नए जीव बनाए जो कि इंसान के जैसे ही दिखते थे मगर वो बहुत ही शक्तिशाली और अमर थे। फिर अरिशेम ने कई सारे इटर्नल्स को यूनिवर्स के हर लिविंग प्लेनेट पर भेज दिया ताकि वो डेविएंट्स को मार सके और इंटेलिजेंट लाइफ की रक्षा कर सके। बाद में जब उन प्लैनेट्स की पॉपुलेशन काफी बढ़ जाती है तब उसके अंदर से एक सेलेस्टियल बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को इमर्जेंस कहा जाता है जिसमें वो प्लैनेट तबाह हो जाता है। फिर वो नया सेलेस्टियल नए तारों और ग्रहों को बनाता है और इस तरह निर्माण और विनाश का चक्र चलता रहता है। ईयर 5000 BC में यानी आज से 7000 साल पहले अरिशेम ने 10 इटर्नल्स को प्लैनेट अर्थ पे भेजा सेलेस्टियल टियामट की इमर्जेंस के लिए। वो 10 इटर्नल्स बहुत ही पावरफुल थे और उन सबके पास अलग अलग पावर्स थी। उन इटर्नल्स की लीडर थी एजैक जो कि अरिशेम से डायरेक्टली बात कर सकती थी और वो अरिशेम का हर मैसेज बाकी इटर्नल्स तक पहुंचाती थी। एजैक और उसके साथियों ने इसके पहले भी कई सेलेस्टियल्स के पैदा होने में मदद की थी, लेकिन हर इमर्जेंस के बाद अरिशेम एजैक के अलावा बाकी इटर्नल्स की याददाश्त मिटा दिया करता था ताकि वो इमोशनली किसी से अटैच ना हो। हर बार एजैक के सिवा किसी को भी ये मालूम नहीं होता था कि वो इमर्जेंस के लिए उस प्लैनेट पर आए हैं, बल्कि उन्हें ये बोला जाता था कि वो ओलंपिया ग्रह के रहने वाले हैं और उन्हें डेविएंट्स को मारने वहां भेजा गया है। जब ये 10 इटर्नल्स पृथ्वी पर पहुंचे तो उन्होंने यहां के डेविएंट्स को मारना शुरू कर दिया और वो इंसानों के बीच घुल मिलकर रहने लग गए। उस टाइम पर इंसान की जिंदगी एकदम मामूली थी, पर ये इटर्नल्स टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस थे, इसीलिए उन्होंने अपनी शक्ति से इंसान के विकास में थोड़ी मदद की ताकि जल्द से जल्द उनकी आबादी बढ़े। पर अरिशेम ने इटर्नल्स को ये हुक्म दिया था कि वो इंसानों को सिर्फ डेविएंट से बचाए और उनके बाकी मामलों से दूर रहे ताकि वो पूरी तरह से इटर्नल्स पर डिपेंड ना हो। फिर इटर्नल्स ने सदियों तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर डेविएंट्स को मारा और इंसानी सभ्यता का विकास किया। इसी बीच इकरिस और सरसी नाम के दो इटर्नल्स ने शादी कर ली और वो खुशी खुशी साथ रहने लगे। इकरिस एक बहुत ही ताकतवर और वफादार इटर्नल था जो कि एजैक की हर बात मानता था। इसी वजह से एजैक ने ईयर 575 BC में यानी पृथ्वी पे आने के 4500 साल बाद इकरिस को अपने असली मिशन यानी इमर्जेंस के बारे में बता दिया। ये सुनके इकरिस को बहुत बुरा लगा, लेकिन क्योंकि वो अरिशेम और एजैक का वफादार था इसलिए उसने इस कड़वे सच को स्वीकार लिया और उसने धीरे धीरे सरसी से दूरी बनाना शुरू कर दिया। फिर सन 1521 में सभी इटर्नल्स अलग हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सभी डेविएंट्स को खत्म कर दिया था। इसके अलावा कुछ इटर्नल्स को अब एजैक की गुलामी पसंद नहीं आ रही थी और वो अपनी मर्जी से जीना चाहते थे, इसलिए एजैक सबको आजाद कर देती है और वो सब अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। इसके कुछ साल बाद इकरिस भी सरसी को छोड़कर चला जाता है क्योंकि वो उसके सामने सच बोल के अपना मिशन बर्बाद नहीं करना चाहता था। फिर 500 साल बाद यानी सन 2018 में
पृथ्वी पर इमर्जेंस का वक्त आ गया, क्योंकि अब इस ग्रह की आबादी सही मात्रा में बढ़ चुकी थी। लेकिन तभी थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करके यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को मिटा दिया। इससे दुनिया की आबादी घट गई और इमर्जेंस रुक गया। लेकिन उसके 5 साल बाद यानी सन 2023 में एवेंजर्स ने इन्फिनिटी स्टोन्स जमा किए और यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को फिर से जिंदा कर दिया। इससे इमर्जेंस फिर से शुरू हो गया और धरती पर अब छोटे मोटे भूकंप आने लग गए। और क्योंकि अब इमर्जेंस में सिर्फ 7 दिन रह गए थे, इसीलिए इकरिस एजेक से मिलने उसके घर जाता है। इकरिस इस बात से बहुत खुश था कि अब उनका मिशन पूरा होने वाला है, लेकिन एजेक इससे उदास थी। वो इकरिस को बोलती है कि बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले ये प्लैनेट और उसके लोग बहुत अलग है। यहाँ के लोग भले ही आपस में लड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो मिलजुल कर साथ रहते हैं। वो खुश होना चाहते हैं और जीना चाहते हैं। और जब एवेंजर्स ने थैनोस की करनी को भी पलट दिया, तब एजेक को लगा कि इस प्लैनेट के लोगों को एक सेलेस्टियल के लिए कुर्बान करना सही नहीं है। इसलिए उसने इमर्जेंस को रोकने का फैसला कर लिया। लेकिन इकरिस को ये बात पसंद नहीं आई। उसका ये मानना था कि इंसानों की जिंदगी की बजाय एक सेलेस्टियल की जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इकरिस मन ही मन एजेक के खिलाफ हो गया। फिर वो एजेक को अलास्का लेकर जाता है। वहाँ पर अब भी कुछ डेविंट्स मौजूद थे जो कि सदियों पहले बर्फ में दब गए थे, लेकिन अब ग्लेशियर के पिघलने से वो बाहर निकल चुके थे। वहाँ इकरिस एजेक को बोलता है कि वो इमर्जेंस रोकना नहीं चाहता, इसीलिए वो उन्हें धोखा नहीं देने देगा। फिर वो एजेक को डेविंट्स के सामने फेंक देता है और तब वहाँ डेविंट्स का लीडर क्रो एजेक की पावर्स एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो मर जाती है। एजेक के पास रीजनरेटिव हीलिंग पावर थी, मतलब वो खुद को और दूसरे घायलों को ठीक कर सकती थी, और अब वो पावर डेविंट क्रो को मिल जाती है। इसके साथ ही उसे एजेक की याददाश्त भी मिल जाती है, जिससे उसे समझ में आता है कि अरिशेम और इटर्नल्स ने उनके साथ क्या क्या किया है। फिर क्रो एजेक की पावर अपने साथियों में भी बांटता है, जिससे वो और ताकतवर बन जाते हैं, और वो सभी इटर्नल्स को मारने निकल जाते हैं। उधर इकरिस एजेक की लाश को उनके घर पे छोड़ देता है, ताकि किसी को भी उस पे शक ना हो। दूसरी तरफ बाकी इटर्नल्स इस सब से बिल्कुल अनजान थे और वो इंसानों के बीच एक आम जिंदगी जी रहे थे। सरसी अब लंदन के एक म्यूजियम में काम कर रही थी और वो स्प्राइट नाम की एक बच्ची जैसी दिखने वाली इटर्नल के साथ रह रही थी। सरसी का इकरिस से रिश्ता खत्म हो गया था, इसलिए अब वो अपने कलीग डेन विटमैन नाम के एक आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी। फिर एक रात जब सरसी, स्प्राइट और डेन एक पार्टी से घर जा रहे थे, तब उन पे डेविंट क्रो हमला कर देता है। सरसी और स्प्राइट उसे लड़ने की कोशिश करते हैं और तभी इकरिस भी वहां आ जाता है, लेकिन वो क्रो को मार नहीं पाता क्योंकि अब उसके पास एजेक की हीलिंग पावर थी। फिर किसी तरह से इकरिस क्रो को वहां से भगा देता है। इकरिस इमर्जेंस तो होने देना चाहता था, लेकिन उसे अपने साथियों की भी फिक्र थी, इसीलिए वो उन्हें बचा रहा था। उधर डेन विटमैन को उस घटना की वजह से सरसी, स्प्राइट और इकरिस की असलियत पता चल गई थी, इसीलिए सरसी उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है और वो उसे छोड़कर चली जाती है। फिर स्प्राइट और सरसी इकरिस के साथ बाकी इटर्नल्स को ढूंढने निकल जाते हैं, ताकि वो सब मिलकर डेविंट्स को खत्म कर सके। इकरिस तो यही चाहता था कि उसके साथी इमर्जेंस तक किसी तरह बिजी रहे, इसीलिए वो सबका ध्यान डेविंट्स पे ही लगा के रखता है। फिर वो तीनों एजेक से मिलने उसके घर जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही उन्हें एजेक की लाश मिलती है, जिसे देखकर स्प्राइट और सरसी को डेविंट्स पे ही शक होता है। फिर जब सरसी एजेक की लाश के पास बैठती है, तो एजेक की बॉडी से वो एनर्जी बॉल बाहर निकलता है, जिसके जरिए वो अरिशेम से बात करती थी, और वो बॉल सरसी के अंदर चला जाता है, और तब सरसी को अरिशेम की एक झलक नजर आती है। एजेक ने मरने से पहले सरसी को नया लीडर बनाने का सोच लिया था, क्योंकि सरसी को इंसानों से बहुत प्यार था और वो ही इमर्जेंस को रोक सकती थी। इसीलिए एजेक के मरने के बाद वो एनर्जी बॉल सरसी को मिल जाता है। फिर इकरिस, सरसी और स्प्राइट मुंबई जाते हैं इटर्नल किंगो से मिलने। किंगो अब एक बॉलीवुड हीरो बन गया था। जब वो एजेक के मरने की खबर सुनता है, तो वो भी उनके साथ शामिल हो जाता है। और फिर वो सब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं इटर्नल गिलगमेश और थीना से मिलने। वहाँ पर सरसी जब थोड़ा फोकस करती है, तो वो अरिशेम से बात कर पाती है, और तब अरिशेम सरसी को इटर्नल्स और डेविंट्स का पूरा इतिहास बताता है, और वो उसे बोलता है कि उन्हें पृथ्वी पर सेलेस्टियल टियामट की इमर्जेंस के लिए भेजा गया है। ये सुनकर सरसी बहुत हैरान रह जाती है और वो अपने साथियों को इस बारे में बताती है, और तब सभी लोग उस इमर्जेंस को रोकने का फैसला करते हैं। इस काम के लिए वो इटर्नल ड्रुइक की मदद लेने का सोचते हैं। ड्रुइक के पास माइंड कंट्रोल की पावर थी, इसलिए वो ड्रुइक की मदद से टियामट को सुलाने का सोच रहे थे। फिर वो ड्रुइक से मिलने अमेज़न के जंगल में जाते हैं। वहाँ जब वो ड्रुइक को सब कुछ बताते हैं और उसे इमर्जेंस को रोकने के लिए बोलते हैं, तो वो थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि एक सेलेस्टियल का माइंड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम था। ड्रुइक सोचने के लिए थोड़ा वक्त लेता है, इसलिए बाकी सब लोग वहीं रुक जाते हैं। उसी रात उस जगह पर डेविएंट्स हमला कर देते हैं।
कुछ डेवियंट्स को तो इकरिस और किंगो मार देते हैं, लेकिन डेवियंट्स का लीडर क्रो गिलगमेश को मार के उसकी पावर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो बहुत पावरफुल बन जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। इसके अलावा वहाँ एक अजीब घटना होती है। सर्सी, जो कि पहले अपनी शक्तियों से सिर्फ बेजान चीजों का ही रूप बदल सकती थी, वो जब एक डेवियंट को छूती है तो वो एक पेड़ बन जाता है। मतलब सर्सी की शक्ति अब विकसित हो गई थी और वो अब जिंदा लोगों का भी रूप बदल पा रही थी। फिर वो सब गिलगमेश का फ्यूनरल करते हैं और वो इटरनल फेस्टोस को ढूंढने निकल जाते हैं। फेस्टोस उनकी टीम का साइंटिस्ट था, जो कि इन्वेंशन करने में बहुत एक्सपर्ट था। वो लोग फेस्टोस की टेक्नोलॉजी और ड्रुइड की पावर से टियामट को बेहोश करने की सोच रहे थे। फिर वो सब शिकागो जाकर फेस्टोस से मिलते हैं और उसे कन्विंस करके अपने साथ शामिल कर लेते हैं। इसके बाद वो इराक जाकर वहाँ से अपना स्पेसशिप बाहर निकालते हैं। उस शिप के अंदर इटरनल मकारी थी, जो कि कई साल से वहीं रह रही थी। मकारी एक डेफ इटरनल थी, जो कि अपनी पावर से बहुत तेज दौड़ सकती थी। वहाँ फेस्टोस सबको ये बोलता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी से सभी इटरनल की पावर को कंबाइन कर सकता है और उस कंबाइंड पावर का इस्तेमाल करके ड्रुइड टियामट को सुला सकता है। इस प्रोसेस का नाम था यूनिमाइंड, जिसके लिए फेस्टोस कुछ ब्रेसलेट्स बनाना शुरू करता है और वो मकारी को इमरजेंस की लोकेशन ढूंढने भेजता है। इस सबसे इकरिस खुश नहीं था और वो सबको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें इमरजेंस नहीं रोकना चाहिए, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। इसलिए इकरिस फेस्टोस के काम को बीच में ही बर्बाद कर देता है और वो सबको ये बोलता है कि अगर उन्होंने इमरजेंस को रोकने की कोशिश की तो वो सबको मार देगा। और तब सब लोग ये समझ जाते हैं कि एजेक को इकरिस ने ही मारा है, इसलिए सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन स्प्राइट उसका साथ देती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। स्प्राइट इकरिस से प्यार करती थी, इसीलिए वो उसके पक्ष में थी। इसके अलावा किंगो भी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे भी इमरजेंस सही लग रहा था, लेकिन वो अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था, इसीलिए ना तो वो इकरिस का साथ देता है और ना ही बाकी सबका। उधर फेस्टोस के ब्रेसलेट्स बनने से पहले ही तबाह हो गए थे और अब दोबारा वो काम शुरू करने का वक्त नहीं बचा था। इसीलिए फेस्टोस सर्सी की बॉडी से वो एनर्जी बॉल निकाल लेता है, जो कि उसे एजेक ने दिया था, और उस बॉल का इस्तेमाल करके फेस्टोस काफी जल्दी नए ब्रेसलेट्स बना लेता है, जिसे पहनकर सब लोग तैयार हो जाते हैं और वो हिंद महासागर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहीं एक ज्वालामुखी के पास इमरजेंस होने वाला था। वहां पहले से ही इकरिस और स्प्राइट बैठे हुए थे। जब बाकी इटरनल्स वहां आकर यूनिमाइंड की शुरुआत करते हैं तो इकरिस ड्रुइड पे हमला कर देता है, जिससे ड्रुइड घायल हो जाता है। फिर मकारी, थीना और फेस्टोस इकरिस से लड़ना शुरू करते हैं, और क्योंकि ड्रुइड अब घायल हो गया था, इसलिए सर्सी अपनी नई शक्ति से टियामट को मारने का फैसला करती है। उधर इकरिस और बाकी इटरनल्स की लड़ाई के बीच में डेवियंट क्रो आ जाता है और वो सबको मारने की कोशिश करता है, लेकिन थीना उससे लड़ती है और वो उसे मार देती है। दूसरी तरफ टियामट जमीन से बाहर निकलने लग गया था, इसलिए सर्सी उसे छूकर उसे पत्थर बनाना शुरू करती है। तभी इकरिस फेस्टोस की पकड़ से छूटकर सर्सी के पास पहुंच जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है। वो सर्सी से प्यार करता था, इसलिए वो उसे मार नहीं पाता। और तब सर्सी फिर से यूनिमाइंड शुरू करती है और वो सभी इटरनल की पावर्स खुद से जोड़ लेती है। इस प्रोसेस में अब इकरिस और स्प्राइट भी शामिल थे और उस कम्बाइंड पावर से सर्सी टियामट के जमीन से बाहर निकलने से पहले ही उसे पूरी तरह पत्थर का बना देती है। इससे इमरजेंस रुक जाता है और पृथ्वी बच जाती है। इसके बाद इकरिस को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, इसीलिए वो सर्सी से माफी मांगता है और वो धरती छोड़कर सूरज में समा जाता है। उधर सर्सी के पास अब भी यूनिमाइंड की थोड़ी पावर बची हुई थी, उसका इस्तेमाल करके वो स्प्राइट को एक इंसान बना देती है, क्योंकि स्प्राइट को बच्ची बने रहना पसंद नहीं था और वो भी बड़ी होकर दूसरों की तरह जीना चाहती थी। अब धरती पर बचे रह गए थे 6 इटरनल्स, जिनमें से मकारी, ड्रुइग और थीना अपना स्पेसशिप लेकर स्पेस में चले जाते हैं, ताकि वो ब्रह्मांड में मौजूद दूसरे इटरनल से मिलके उन्हें सच बता सके। और सर्सी, किंगो और फेस्टोस अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। फिर सर्सी डेन विटमैन से मिलती है। डेन उसे प्रपोज करता है और वो सर्सी को अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सेलेस्टियल अरिशेम पृथ्वी के पास पहुंच जाता है और वो सर्सी, किंगो और फेस्टोस को अंतरिक्ष में लेकर चला जाता है। अरिशेम उन्हें बोलता है कि उन्होंने इंसानों को बचाने के लिए एक सेलेस्टियल को कुर्बान किया है, इसलिए अब वो उनकी यादों से ये तय करेगा कि क्या इंसान सच में बचाने लायक है या नहीं। फिर अरिशेम उन तीनों को लेकर कहीं चला जाता है। उसने फिलहाल तो पृथ्वी को बख्श दिया था, लेकिन वो कुछ समय बाद वापस लौटेगा और अपना फैसला सुनाएगा। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि थीना, मकारी और ड्रुइग कुछ दिनों से स्पेस में ट्रेवल कर रहे थे और अब उनके दोस्तों ने पृथ्वी से जवाब देना बंद कर दिया था, जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि फेस्टोस, सर्सी और किंगो किसी मुसीबत में हैं। तभी उनके स्पेसशिप में एक पोर्टल खुलता है
और उसमें से दो लोग बाहर निकलते हैं, जो था थैनोस का भाई ईरोस और उसका साथी पिप। थैनोस और उसका पूरा परिवार इटर्नल प्रजाति का था, लेकिन थैनोस के अंदर गलती से डेविएंट का डीएनए आ गया था, इसीलिए वो थोड़ा अलग दिखता था। और उसका भाई ईरोस एक पावरफुल इटर्नल था, जिसे स्टार फॉक्स के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ वो थीना, मकारी और ड्रुइक को बताता है कि उनके साथी बहुत बड़ी मुसीबत में है और वो उन्हें बचाने में उनकी मदद कर सकता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डेन विटमैन नजर आता है, जो कि अपने म्यूजियम से एक तलवार निकालता है। ये तलवार डेन के पूर्वजों की थी, जिसका नाम है एबिनी ब्लेड। इसका इस्तेमाल करने वाले इंसान को कुछ शक्तियाँ मिल जाती है, जिससे वो ब्लैक नाइट नाम का एक हीरो बन जाता है। पर ये एक श्रापित तलवार है, जिसे इस्तेमाल करने वाला अक्सर बुरा बन जाता है, इसीलिए डेन उसे उठाने से डर रहा था। पर आखिर में जब वो उसे उठाने का फैसला करता है, तब कोई अनजान आदमी उसे रोक लेता है। तो दोस्तों, ये थी इटर्नल्स मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.